वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम फ्रॉम रुमिनेशन की समरी, जो कि लिखी गई है पोएट केकी एन दारूवाला के द्वारा। केकी एन दारूवाला भारतीय कविता में एक प्रभावकारी आवाज वाले कवि हैं। प्रभावकारी आवाज से मतलब है वो जो कुछ भी लिखते हैं इफेक्टिव लिखते हैं। इनका जन्म 1937 में हुआ था। इनके लिए कविता व्यक्तिगत खोज करने वाली, कभी कभी बीमारी को ठीक करने वाली और किसी भी व्यक्ति के भीतरी संसार की जानकारी पाने में सहायक है। मतलब कविता किसी की पर्सनल फीलिंग्स को बता सकती है, कोई बीमार हो तो पोएट्री रिलीफ दिला सकती है और एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है पोएट्री के थ्रू। इनके वर्क है अंडर ओरियंट और सेकंड है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। जैसा कि पोएम का टाइटल है, पोएम हमें बताती है निश्चित चिंतन के बारे में। जो पोएट होता है वो एक अच्छी भावना की तलाश करता है, लेकिन वह इसे कहीं भी नहीं पाता। इसके बजाय उसे अविश्वास और घृणा के दृश्य प्राप्त होते हैं। अब आते हैं टाइटल पर और जानते हैं आखिर रुमिनेशन होता क्या है। रुमिनेशन किसी भी दुख के लक्षण पर बाध्य होकर लगाया जाने वाला ध्यान है। मतलब दुख का कारण तो है, लेकिन तुम उसके ऊपर कर रहे हो ओवरथिंकिंग, ठीक है। और इस पोएम में कवि ने रुमिनेशन किया है। आप इसे वरी या चिंता के समान मान सकते हो, क्योंकि दोनों ही उत्तेजना और नकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं। शॉर्ट में कहें तो ये एक ऐसा विचार या चिंतन है जो उत्तेजना और नकारात्मक से भरा होता है, जो किसी भी टॉपिक पर सिर्फ परेशानी ही पैदा करेगा। इस पोएम में केकी एन दारूवाला ने मृत्यु की कठोरता को बताया है। पोएम की समझे ध्यान से सुनना, क्योंकि पोएम थोड़ी सी टिपिकल है। इसमें पॉइंट अच्छी भावना प्राप्त करने के लिए चिंतन तो करता है और उसे अच्छी भावना प्राप्त भी होती है, लेकिन जो सच्चाई होती है उसके उत्साह को खत्म कर देती है। अब शुरू करते हैं पोएम की समरी। कवि कहता है कि वह उपद्रव की पहचान कर सकता है। उपद्रव वैसे तो होता है दंगा या फसाद, लेकिन किसी प्रकार की अनहोनी या कुछ अच्छा या बुरा होना उसका थोड़ा सा पता वो लगा सकता है, जिसे वो वर्षा से जोड़ता है और कहता है कि जो कि अपने साथ झाग और अंधे की परेशानी लाती है। मतलब वर्षा आती है तो उसके साथ कुछ अच्छा ही भी है और कुछ बुराई भी है, लेकिन वो बुराई को देखता है और आगे वो फिर जिंदगी की परेशानियों की बात करने लगता है कि वह इन्हें झेलने में बहुत बुरा महसूस करता है। वो तो ये इस प्रकार है जैसे कि एक प्रकार कोबरा जहरीला होता है और उसके दिमाग में ये सब अपने आप से चल रहा होता है और वो नफरत की भावना है उसे निराशावादी बना रही होती है। कभी आगे बोलता है कि जैसे ही मृत्यु आती है मानव शरीर एक बेकार वस्तु के रूप में बदल जाता है और अब वो जो विचार कर रहा होता है अपने माइंड में वो कर रहा होता है मुर्दा घर के, जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है। वो बोलता है मृत्यु मानव शरीर को ऐसे बदलती है जैसे उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तब वह सोचता है ये जो मेरी बॉडी है, ये जो मांस है, ये मिट्टी में ही तो मिलने वाला है और ये सोचकर वो उदास होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद मानवीय शरीर एक बेकार चीज में बदल जाता है। अब वह आगे और चिंतन करता है और वो और मुर्दा घर के दृश्य के बारे में वर्णन करता है। कैसे सड़ती हुई बॉडी बैड स्मेल दे रही थी, डेड बॉडी के पास उनके रिलेटिव गुलाब जल और फूल छिड़क रहे थे। कभी लाश वाले बरामदे में जाता है और एक औरत की लाश देखता है जिसे उसके पति ने अनिष्ठा के कारण या फिर फेथफुल ना होने की वजह से मार दिया था। आगे कभी कहता है कि इंसान की प्रकृति लचकदार होती है। मतलब इंसान के पास इतनी पावर है कि वो अपने आप को बदले हुए हुए हालातों में अपना ले। अगर उसे जलाया जाता है तो वो अग्नि के प्रति श्रेष्ठता साबित करता है। अगर चिड़िया के सामने फेंक दिया जाए तो वो अपना मांस चिड़िया को भेंट कर देता है, जैसे कि एक महात्मा जिसके लिए अपने शरीर की कोई महत्वता है ही नहीं। आगे कभी बारिश के साथ जुड़ी हुई आवाजों को सुनता है। अभी वह कुछ क्लियर नहीं देख पा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सब कुछ साफ हो जाता है। धूल जो पत्ती पर थी वो साफ हो जाती है, तालाब के किनारे झाग था वो भी हट जाता है और ये इस प्रकार था जैसे नहाने के बाद मंदिर के प्रांगण में घूमना। तब उसे अचानक याद आता है कि वो पुरानी यादों में कहीं खो चुका था और उसका ध्यान टूटता है। मतलब कभी अच्छी भावना को पाना चाहता था, उसने अच्छी भावना फील भी करी, लेकिन उसके बाद उसको जो रियलिटी होती है वो उसके उत्साह को खत्म कर देती है। कैसे, उसने अच्छी भावनाएं बारिश वर्षा के बारे में सोचा है ना, उसे अच्छी फीलिंग भी मिली, लेकिन अंत में वह मृत्यु की कठोरता के बारे में सोचता है और तब वो रिग्रेट फील करता है कि उसने एक अच्छी भावना को खो दिया। मतलब यही है कि वह चिंतन तो अच्छी भावना के लिए करता है,
अच्छी भावना प्राप्त भी करता है, परंतु रियलिटी उस सच्चाई के प्रति उसके उत्साह को खत्म कर देती है। तो पोयम थोड़ी सी टिपिकल थी, आप इसे एक बार दोबारा से रिवाइंड करके सुनिएगा और आई होप आपको ये पोयम समझ में आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।